इसीलिए मैं ऐसे लोगों को कॉशन करना चाह रहा हूँ, इंतबाह दे रहा हूँ कि आप ऐसे काम मत कीजिए। हम सभी को जो भी ऐसे काम कर रहे हैं उनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, उन पर हम केसेस रजिस्टर करेंगे ज़रूर। और ये जो हमारी तहजीब है इधर हैदराबाद, अमन है, जो शांति यहाँ पर रहती है और जो हमारा इतिहास जो है, जो तारीखी शहर जो हैदराबाद है, उसको कोई ख़राब ना करें, ये अपने जहन में लगा लें और अपने आप इसको ऐसे वीडियोस और ऑडियोस बनाकर सोशल मीडिया में ना पोस्ट करें। ये मेरी गुजारिश है आवाम से, और जो भी हमारे साथ हैं उनको सबको मैं भरोसा दिलाता हूं कि हैदराबाद सिटी पुलिस का जो काम कार्रवाई है आप देखे हैं, और भरोसा रखिए, जो भी कुछ है हमको बताइए, इत्तला कीजिए, हम ज़रूर उस पर एक्शन लेंगे। और मैं सबको अपने जो ताऊन हमको दिया है सबके लिए हम बहुत ही खुशनसीब है और शुक्रगुजार हैं। आप सबको मेरे तरफ से और सिटी पुलिस की तरफ से मैं शुक्रिया अदा बोलना चाहता हूँ। अभी शाम में दुकान खोलने का टाइमिंग क्या है? टाइमिंग जो है 7 बजे के बाद बंद रहेगा क्या, वो लेगा? हाँ, हम देखेंगे, क्योंकि आज ये जुम्मे की नमाज जो है उस मौके पर काफ़ी अमन के साथ सब कुछ सुकून फैला हुआ है, तो हम ज़रूर उस पर सोचेंगे, अब बात करेंगे। ऑफिसर सब यहाँ पर है, हम डिस्कस करके आज शाम में कैसे इसको रिलैक्स किया जाए, कैसे यहाँ पर कुछ ऑफिशियल कुछ नहीं है। हम सबको गुजारिश किए थे कि आप अपने दुकान जल्दी बंद कर लें, पेट्रोल बंक्स जल्दी बंद कर लें, क्योंकि उसकी वजह से लोग मूवमेंट कम होगा, तो आज से हम ज़रा नॉर्मल सी लाने की कोशिश जारी रखेंगे। शुक्रिया।